हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आपके सामने ई शॉपिंग वेबसाइट लेके आया हूँ। ये वही पुराना प्रोजेक्ट है जो कि आपने इसे पहले मैंने इसका वीडियो बना रखा अपने चैनल पे। तो ये वही पुराना प्रोजेक्ट है, इसको थोड़ा सा किया है मॉडिफाई, और इस बार जो कार्ट वाला सेक्शन है उसको मैंने किया है मॉडिफाई। यहाँ पर जो भी पिछले दफ़ा जो भी प्रॉब्लम्स थी उन सबको यहाँ पर हटाया गया है, सॉल्व किया गया है। तो इस बार डेफिनेटली आपको ये पसंद आएगा। तो सबसे पहले एक छोटा सा टूर करते हैं अपने इस वेबसाइट का कि क्या है ये, कैसे काम करता है। तो बेसिकली सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो ये है आपका डिफॉल्ट पेज, ठीक है। जब आप लॉगिन नहीं करोगे, बाय डिफॉल्ट पेज आपको ये दिखेगा। यहाँ पर आपको सारी ये प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट आपने यहाँ पर ऐड किए हैं, जितने भी जो भी सामान अपनी वेबसाइट पे आप यहाँ पे सेल करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद देखो, यहाँ पर बेसिकली आपको मिलेंगे दो तरह के लॉगिन पोर्शन, पहला होगा एडमिन और दूसरा होगा आपका यूज़र। तो अगर आप साइनअप करते हैं ना, अगर आप कभी भी साइनअप करोगे तो बेसिकली जब भी आप साइनअप करोगे तो आपका जो अकाउंट बनेगा वो एज अ यूज़र अकाउंट बनेगा, ठीक है। और अगर आपको एडमिन अकाउंट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चलना होगा डेटाबेस में, आएंगे ये टेबल है यूज़र करके टेबल है, इस टेबल पर सर्च करोगे। यहाँ पर देखो, यूज़र टाइप में अगर आप एडमिन कर दोगे, जिसका भी यूजर टाइप आप एडमिन कर दोगे, यानी कि उस बंदे को आपने एडमिन की अथॉरिटी दे दी है, ठीक है। तो किसी भी एडमिन बनाना हो तो डेटाबेस में जाके बस उसका यूजर टाइप वाला कॉलम अपडेट कर देना, तो वो बंदा एडमिन बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हम साइनअप करते हैं। तो सबसे पहले मैं साइनअप करूंगा यहाँ पे जो एडमिन का अकाउंट है, एडमिन के अकाउंट से। तो बेसिकली एडमिन के अकाउंट से जब भी आप साइनअप करोगे तो आप प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है, मैनेज पे आएंगे तो प्रोडक्ट कैटेगरी इन सारी चीज़ों को ऐड कर पाएंगे। इसमें नया क्या है, नया क्या ये है कि इसमें आप कैटेगरी, ब्रांड, सब कैटेगरी और साइज़, ये सब सारी चीज़ें आप इसमें क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके साथ ही आप अगर एडमिन हैं तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं अपनी इस वेबसाइट पे, ठीक है। और जो भी प्रोडक्ट आप ऐड करेंगे तो वहाँ पर आपको यहाँ पे सारी लिस्ट यहाँ पर दिख रही है आपको कि क्या क्या प्रोडक्ट आपने यहाँ पर ऐड कर रखा है, क्या नाम है उनके, दुनिया भर की सारी चीज़ें आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है। और एक रिपोर्ट आपको यहाँ से भी मिल जाएगी, रिपोर्ट पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है, कि ये है आपका सेल रिपोर्ट, कि कितना आपने सेल किया है, और बाकी ये पुराना पिछला रिपोर्ट है, क्वांटिटी स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट हुई, जैसे कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसको आपने स्टार्टिंग किया था 12 क्वांटिटी से, ठीक है, तो 12 पीस लेके। तो ये बेसिकली आपका एडमिन मॉड्यूल है जहाँ से आप प्रोडक्ट की एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अब वापस चलते हैं, इसे लॉगआउट करते हैं यहाँ पर। अब हम चलेंगे यूज़र मॉड्यूल पर। तो सबसे पहले हमारे पास एक यूज़र है जिसका नाम है यूज़र, अब हम इसके अकाउंट से लॉगिन करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर देखो, यूज़र लॉगिन हो गया। तो ये क्या है, ये है वेलकम टू यूज़र, ये यूज़र का होम पेज है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा काम क्या है, जैसे कि अगर आपको सारे प्रोडक्ट आपको देखने हैं, सिंपली प्रोडक्ट पे आओ और एक पहला जो मेनू है ऑल प्रोडक्ट, आप जैसे ही ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो जितने भी प्रोडक्ट इस वेबसाइट पे अवेलेबल हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। सपोज ये वाला प्रोडक्ट आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके सामने आ जाएगा, इस तरीके से सारी डिटेल आपको दिख रही है। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है, जैसे कि अगर सपोज करो, अगर आपको यहाँ पे जो तीन यहाँ पे मेंस के तीन मेनू दिख रहे हैं और यहाँ पे वुमेंस के तीन मेनू, तो सपोज अगर आपको यहाँ पे शर्ट चाहिए तो शर्ट वाले पे क्लिक किया तो अब आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट दिखेंगे जो शर्ट से रिलेटेड है। उसके बाद अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। जैसे आप टेक्स्ट चेंज इवेंट फायर होगा तो ये पर्टिकुलर एच से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे वुमेंस पे कुछ सर्च करना चाहते हो तो आप ये यहाँ पे ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सारी अगर आपको चाहिए तो आप, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो। आप सपोज करो ऑलरेडी इसमें एक यहाँ पर आइटम है कार्ट में इसके, तो एक बार कार्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने कार्ट पे क्लिक किया तो आपके सामने ये कार्ट आ गया, ये पर्टिकुलर आइटम है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये। तो अभी यहाँ पर वन है, तो देखो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो क्वांटिटी है मैं चाहिए, मुझे अगर 5 क्वांटिटी चाहिए तो सिंपली मैं इसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो 2 हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और ये टोटल 5 क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ पर टोटल 5 क्वांटिटी होगा। अब देखो कार्ट को क्या करना है, एक बार रिफ्रेश करेंगे, जैसे हम एक बार इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है, तो 5 5 आपको दिख रहा है, ठीक है। ये कार्ट बटन यहाँ पर भी है, कार्ट बटन यहाँ पर भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसे मैं लॉग आउट करता हूँ तो इसको मैंने कर दिया लॉग आउट, ओके लॉग आउट हो गया। अब वापस चलेंगे यहाँ पर लॉग इन पे आ जाते हैं। अब एक दूसरा यूज़र है जिसका नाम है करण, अब हम इस यूज़र से लॉग इन करेंगे तो यहाँ पर देखो जो लॉग इन होगा उसका नाम यहाँ पर शो हो रहा है। अभी यहाँ पर इसके कार्ट में कुछ नहीं है, एक बार क्लिक करते हैं तो कार्ट क्या है, इनका एम्प्टी है कार्ट, ओके, तो कार्ट एम्प्टी है। तो एक बार हम क्या करेंगे, इनका कार्ट एम्प्टी है तो हम अगर प्रोडक्ट यहाँ पे चेक करते हैं, मान लीजिए एक प्रोडक्ट यहाँ से हम ले लेते हैं, दिस वन, ये शर्ट हमने सेलेक्ट किया और इस शर्ट को हम क्या करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं। तो इसको मैंने ऐड टू कार्ट किया, इनका कार्ट हम चेक करेंगे एक बार। जैसे मैंने इनका कार्ट चेक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, एक शर्ट यहाँ पर दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक और प्रोडक्ट यहाँ पर अगर हमें चाहिए तो हम वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज हम अगर इसे लॉग आउट करते हैं। चलो मैंने इसे किया लॉग आउट, भाई साहब लॉग आउट हो गए। अब हम लॉग इन करेंगे फिर से यूज़र के अकाउंट से लॉग इन करते हैं, तो जस्ट यूज़र और 1 2 3 ये मैंने किया लॉग इन। तो जैसे आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम पे मैंने क्या किया था, यूज़र के अकाउंट से जब लॉग इन किया था तो टोटल 5
ठीक है, कार्ट में क्या मतलब एक ही आइटम है जो कि पांच क्वांटिटी है इसकी, तो यहाँ पे इस वजह से ये पांच दिखा रहा है। ओके, तो अगर आपको कोई दूसरी अगर क्वांटिटी आपको चाहिए तो आप वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर आपको घटाना है तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये टोटल यहाँ पे घट रहा है। इस बार रिफ्रेश करेंगे इस पेज को, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखो जैसे कि सपोज अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो पर्टिकुलर अगर प्रोडक्ट यहाँ पर होगा तो आपको दिखेगा, ठीक है। डेनिम पे क्लिक करते हैं तो अगर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा यहाँ पे तो आपको दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे देख पा रहे हैं। अगर मुझे इसको भी ऐड टू कार्ट करना है तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको साइज सेलेक्ट किया, ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, तो अब हमारे पास एक प्रोडक्ट यहाँ पर और आ चुका है कार्ट में। अच्छा, सेम प्रोडक्ट मैंने फिर से ऐड कर दिया तो उसकी क्वांटिटी बढ़ गई, तो हम क्या करते हैं, हम एक बार डिफरेंट प्रोडक्ट चाहिए हमें तो एक बार ऑल प्रोडक्ट पे चलते हैं। तो इस बार एक डिफरेंट प्रोडक्ट ये वाली ले लेते हैं हम, इसको लिया और इसको ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, ठीक है। टोटल नंबर आप प्रोडक्ट यहाँ पे दो हो जाएंगे आपके, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये है एक ये है, इनकी प्राइसिंग वगैरह भी आपको दिख रही है। तो अगर आपको किसी रिमूव करना है तो आप यहाँ पर रिमूव बटन पर क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज ये आपका शॉपिंग वेबसाइट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, इसको यहाँ पर आप लॉग आउट करेंगे। ओके, तो सक्सेसफुली लॉग आउट हो गया। अब बात करते हैं कि कैसे आपको ये जो वेबसाइट है या आप इसे कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो सिंपली जो खैर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है लिंक, ओके, तो लिंक पे क्लिक करो, आपके सामने एक पेज ओपन होगा, वहां से जाके आप इजीली डाउनलोड कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जब भी आप डाउनलोड करोगे मेरे भाई तो आपके सामने एक इस तरीके से फाइल डाउनलोड होगी जिसको कहते हैं जिप फाइल, ठीक है। इसका एक्सटेंशन क्या होता है, जिप फाइल। और इस फाइल को नॉर्मल फोल्डर में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक जिप कन्वर्टर चाहिए। बहुत सारे कन्वर्टर अवेलेबल हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनका WinRAR, ठीक है, जिप RAR, 7Zip, बहुत सारे नाम हैं, आप गूगल करो इनके बारे में, आपको पता चल जाएगा कि जिप फाइलें होती क्या हैं, ठीक है। तो अब जब आप इसे कन्वर्ट एक्सट्रैक्ट करोगे तो जैसे मैं इसे करता हूँ एक्सट्रैक्ट हीयर, तो जैसे मैं इसे एक्सट्रैक्ट हीयर करूँगा तो अब क्या ये जिप फाइल से आपको क्या मिलेगा, एक फोल्डर मिलेगा। इस फोल्डर में पूरा का पूरा ये आपका प्रोजेक्ट होगा, सारी फाइलें सारी चीज़ें इसमें होंगी, और उसके बाद एक अलग से फाइल होगी जिसमें कि डेटाबेस की सारी क्वेरी होंगी। आप राइट क्लिक करो और इसको अगर मैं नोटपैड में ओपन करूं तो आप देख सकते हैं इसमें सारे के सारे क्वेरी हैं, SQL की क्वेरी, जिनकी हेल्प से आप क्या करोगे, टेबल्स वगैरह सारी चीज़ें प्रोसीजर वगैरह बनाओगे, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगा। तो और इसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक विजुअल स्टूडियो। तो भाई जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका नाम क्या है, इसका नाम है विजुअल स्टूडियो। और जिन लोगों को यार नहीं पता विजुअल स्टूडियो क्या होती है तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको विजुअल स्टूडियो के बारे में जानना चाहिए कि क्या है विजुअल स्टूडियो और कैसे ये काम करता है। तो भाई देखो यहाँ पे क्या लिखा, ये विजुअल स्टूडियो 2010 है मेरे पास, आपके पास लेटेस्ट वर्जन है कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर भी चलेगा। और उसके साथ ही साथ आपको चाहिए SQL सर्वर डेटाबेस, तो यहाँ पर क्लिक करो। तो ये मेरे पास क्या है, मेरे पास है SQL सर्वर डेटाबेस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही पुराना वर्जन है 2008 का, पर कोई दिक्कत नहीं है, वर्जन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका काम होना चाहिए। तो आप चाहो तो SQL सर्वर का नया लेटेस्ट वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डेटाबेस बनाना बड़ा आसान है, आपके पास क्वेरी मैंने दे ही रखा है, तो बस आपको क्या करना है, क्वेरी को यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है, बाकी क्वेरी का पोर्सन ये है, ठीक है, जहाँ से आप कर लोगे। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी कि कैसे डेटाबेस क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो बेसिकली आपको बस ये छोटा सा प्रोजेक्ट मुझे दिखाना था, जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको ये बेसिकली ये फाइल मिलेगी, इस फाइल को अनजिप करेंगे तो आपके सामने मिलेगा दो दो एक फोल्डर मिलेगा जिसमें सारे के सारे क्या होंगे, प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइलें होंगी, और एक होगा आपका फाइल जिसमें कि सारा डेटाबेस का क्वेरी होगा। तो आपको बस इस क्वेरी को रन कराना है, बहुत ही सिंपल है, आपके टेबल बन जाने हैं। और एक अहम बात क्या है, जब आपका टेबल बन जाए तो आपको करना क्या है ना, आपको इस प्रोजेक्ट को इसमें ओपन करना है विजुअल स्टूडियो में, और नीचे की तरफ आओगे तो मेरे भाई यहाँ पर आपको सबसे नीचे आना है, आपको मिलेगा web.configs, ठीक है, ये वाली फाइल मिलेगी, इस फाइल पर करना है डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर पूरा का पूरा कनेक्शन का कोड है, तो ये है कनेक्शन जो हम बना रहे हैं, उसका नाम है माई शॉपिंग DB। और देखो यहाँ पर क्या डेटाबेस का नाम क्या है, ये है डेटाबेस का नाम। तो जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करना तो उसका नाम अगर आप यही रखोगे तो ठीक है, अगर आप चेंज कर रहे हो तो यहाँ पर भी डेटाबेस का नाम चेंज कर देना, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे लगाया मैंने डॉट, अगर ये डॉट काम नहीं कर रहा ना, यहाँ पे देखो अगर डॉट काम नहीं कर रहा तो क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है SQL सर्वर में और यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखो सर्वर का नाम क्या है, Dell PC, तो चाहो तो आप डॉट की जगह पर ये Dell PC कॉपी करो और इसको ला के ना आप यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है, आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो इसकी जगह पे, ठीक है। डेटा सोर्स इज इक्वल टू, आप चाहो तो अपने उस SQL सर्वर का नाम दे दो, या बाय डिफॉल्ट इसमें डॉट ऑलरेडी है और ये हमारे डेटाबेस का नाम। अब यहाँ पे देखो इनिशियल कैटलॉग इक्वल टू क्या, डेटाबेस का नाम। अब हमारे डेटाबेस का नाम क्या, डेटाबेस कहाँ पर है, ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है, ये जो देख रहे हो ये डेटाबेस है। तो बस ये सिंपल सी बात है, और उसके बाद आप इसे रन करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो क्वेरी कमेंट में आप मुझे बताना, तो मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ उसके लिए।
ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। तो वीडियो पसंद आई तो शेयर कर दो, फैला दो हर जगह। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस मिलते हैं आपसे एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।